रिसेंटली 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। यानी ये 59 चाइनीज एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जाता, ये 59 चाइनीज एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर में शो नहीं होगा। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सा एप्लीकेशन है, उसका पूरी लिस्ट जो है आपको हम दिखाएंगे कि वो कौन कौन सा पूरी लिस्ट जो है आपको दिखाएंगे कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है चाइनीज एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप हमारे जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है, इंडियन मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो है एक ट्वीट किए थे, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल एप्स। जय हिंद, इस तरह से जो है उन्होंने ट्वीट किए थे ट्विटर अकाउंट्स पे, अपने ट्विटर हैंडल पे जो है ट्वीट किए थे जो हमारे इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है ट्वीट किए थे। और वो जो ट्वीट किए थे कि जो जितने भी जो है इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर जो है खतरा था, इसकी वजह से उन्होंने ये 59 एप्लीकेशंस को जो है उन्होंने बैन करवा दिया। सबसे पहले जो है उसमें जो है आपको लिस्ट ऑफ चाइनीज एप्स में सबसे पहले जो है जो काफ़ी ज़्यादा ये तीन एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उसमें आपका टिकटॉक है, इसके बाद यूसी ब्राउजर है, इसके बाद हेलो एप्लीकेशन है। टिकटॉक जो है इंडिया में इसके जो है 10 करोड़ जो है इसका यूजर्स हैं, इसका जो है टिकटॉक का जो है 10 करोड़ इसका जो है यूजर्स है। तो ये भी जो है एक चाइनीज एप्लीकेशन था, इसको भी जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिया। इसके बाद यूसी ब्राउजर को भी जो है बैन हो गया, इसके बाद हेलो एप्लीकेशन भी बैन हो गया। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है केम स्कैनर, जो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ऑफिस वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी जो है स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं। लाइकी एप्लीकेशन है, लाइकी जैसे आप छोटे छोटे वीडियो जैसे आप जो है टिकटॉक टाइप का वीडियो जो है इससे आप बनाते थे। टर्बो वीपीएन जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, तो ये भी जो है एक चाइनीज एप्लीकेशन था, इसको भी जो उन्होंने हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद जेंडर एप्लीकेशन है, जेंडर एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है इंडिया में, इससे जो है फाइल को जो है शेयरिंग करते थे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा और एप्लीकेशन जो है फेमस एप्लीकेशन है जैसे वीगो वीडियो हुआ, वीगो लाइव हुआ, इसके बाद क्लब फैक्ट्री हुआ, तो ये सारे, इसके बाद शेयरिट हुआ, तो शेयरिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस हुआ था, ये भी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस हुआ था। इससे जो है कोई फाइल जो है अगर हमको जो है किसी के दूसरे के मोबाइल से लेना हो या ट्रांसफ़र करनी हो तो ये जो है एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होता, उससे उसमें जो है इसको जो है हेल्प करता था ट्रांसफर जो है फाइल करने में। तो ये भी जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिए थे। और ये न्यूज़ के द्वारा भी जो है इसको जो है ये न्यूज़ का क्लिप है कि इंडिया बैन्स 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउजर एंड शेयर इट। तो इस तरह से जो है इन्होंने 59 चाइनीज एप्लीकेशन जो है हमारे इंडिया में जो है बैन हो गया है और ये गूगल प्ले स्टोर में अब शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एनडीटीवी का है कि टिकटॉक स्टॉप 59 चाइनीज एप्स बैन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इस तरह से जो है उन्होंने जो है इनका जो है 59 चाइनीज एप्लीकेशन जो है हमारे इंडिया में बैन हो चुका है। यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट है कौन कौन से एप्लीकेशन है, उसका लिस्ट पूरा है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको बैन कर दिया है। और आपको जो है अब जान के जो है काफी हैरानी होगा कि इसमें जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये है आपको कि जितने भी चाइनीज उसमें मैक्सिमम ब्राउजिंग एंड एंटीवायरस है। ये जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है उसमें आपको दिखाई देगा, आप जो है पूरी लिस्ट जब देखिएगा तो उसमें जो है काफी ज्यादा जो है ब्राउजिंग एंड एंटीवायरस से रिलेटेड जो है एप्लीकेशन है। और एक चीज में एक जो है इसमें लिस्ट में जो है आपका पबजी और आपका जो है जू एप्लीकेशन है, ये दोनों भी ये जो है चाइनीज एप्लीकेशन है लेकिन इसमें आपको जो है लिस्ट में शो नहीं कर रहा है। ये भी जो है एक जो है लिस्ट में होनी चाहिए लेकिन अब कोई बात नहीं, वो भी जो है कुछ दिन में बंद हो जाएगा। तो आपको देखें यहाँ पे शो रहा है टिकटॉक है, शेयरिट है, कवाई एप्लीकेशन जो है एक शॉर्ट वीडियो जो है आपको रिकॉर्ड करके इसमें बनाया जाता है, ये भी एप्लीकेशन है। इसके बाद क्लैश ऑफ किंग है, ड्यू बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइकी है, इस तरह से पूरी जो है लिस्ट जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये काफी कैम स्कैनर हुआ, ड्यू ब्राउजर हुआ, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं इसका, स्वीट सेल्फी काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं इसका। इसके बाद आपको जो है ड्यू प्राइवेसी यूज करते हैं, काफी लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे पैरेलल स्पेस जो है इसका भी लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। जेंडर हुआ, ये जो है काफी ज्यादा लोग इंडिया में जो है इसको यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है आपका ब्यूटी प्लस हुआ, ये जो है इंडिया में काफी ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। और ये जो बताया जा रहा है कि आपका जो है इससे जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी डेटा वगैरह हैं, पब्लिक की जो डेटा जो है इससे जो है आपका जो है इस पे खतरा था, ये जो है डेटा जो है चुराने का जो है इस पे आरोप था कि ये हमारे डेटा जो प्राइवेसी जो है उसको उस पे ये खतरा था, तो इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको बंद कर दिया था।
तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है हमेशा इसी तरह का वीडियो जो है मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।